हमारे ऑयस्टर मशरूम्स अच्छे से ग्रो हो गए हैं। आज इन्हें हार्वेस्ट करने का दिन है। चलो इनसे चल के अच्छी सी रेसिपी बनाते हैं। आपसे मैं सुपर सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट सैंडविच की। और सबसे पहले तो मैं अपने लिए फ्राइज बनाऊंगी। सैंडविच के साथ फ्राइज सर्व करो तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने एयर फ्रायर में बना रही हूँ। मैंने बेकिंग पेपर लगाकर इसमें फ्रोजन वाले फ्राइज डाल दिए हैं और इन्हें मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। तब तक हम ये मशरूम को चॉप कर लेते हैं। सो दिस इज़ द ऑयस्टर मशरूम। एक बड़ा सा मशरूम काफ़ी है 3 सैंडविच बनाने के लिए। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे चॉप कर रही हूँ। आप इसे छोटे बड़े कैसे भी पीसेस में कट कर सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा छोटा पीस में कट करूँगी बिकॉज मैं माइक्रोवेव में कुक करने वाली हूँ इन्हें। दिस इज गोइंग टू बी अ स्पिनिच मशरूम सैंडविच। तो मैंने यहाँ पे स्पिनिच भी वॉश करके ले लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में और अभी मैं इसे चॉप कर रही हूँ। मशरूम और स्पिनच को अब माइक्रोवेव सेफ बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और हमें इसके अंदर सारी सीजनिंग डालनी है। मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ऑलिव ऑयल और सॉल्ट यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर रेड चिली फ्लेक्स। एंड नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द सैंडविच। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर ब्रेकफास्ट स्लाइस ब्रेड ली है ब्रिटेनिया की। आप चाहो तो होल व्हीट ब्रेड या फिर सार्डो ब्रेड भी ऑप्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस लिए हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी। आई एम यूजिंग ट्रफल बटर। ट्रफल भी एक टाइप का मशरूम होता है, उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। आप चाहो तो रेगुलर बटर से भी इसे बना सकते हो। तो सारे ही बटर को इक्वली डिवाइड करके मैं लगा रही हूँ ब्रेड स्लाइसेस पे। अब बटर लगी हुई ब्रेड तो मैंने रख दिया अलग और दूसरी ब्रेड स्लाइसेस लेके उस पर चीज़ ब्रेड लगा रही हूँ। और मेरे को ना अमूल की चीज़ ब्रेड बहुत पसंद है। आप चाहो तो इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे को ऐसा लगता है ना कि सैंडविच में चीज़ ब्रेड का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, मॉइस्ट बनता है सैंडविच उससे। मशरूम और स्पिनच को मैंने 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था और यहाँ पे हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है एकदम फटाफट से। कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही अमेजिंग अरोमा है इसका। एंड नाउ आई एम गोना टेक अ स्पून ऑफ स्टफिंग और इसे ब्रेड पे रख दूंगी। इसी तरह से सारे सैंडविच के अंदर आप स्टफिंग रख सकते हो। एंड या यू कैन यूज अदर वेजिटेबल्स एज वेल। कैप्सिकम भी अच्छा लगता है मशरूम के साथ, मगर मुझे स्पिनच का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट लगता है। स्टफिंग के ऊपर से हम दूसरी ब्रेड रख देंगे जिसपे हमने बटर लगाया था। और अब टाइम है इसे ग्रिल करने का। तो ग्रिल को प्री हीट कर लेना चाहिए, उससे ना बहुत ही अच्छा कलर आता है सैंडविच पे और एकदम क्रिस्पी बनता है। मैंने यहाँ पे अपना सैंडविच भी प्लेस कर दिया है ग्रिल में और यहाँ पे फ्राइज भी बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ऑयल डालना नहीं पड़ा। फ्रोजन फ्राइज एयर फ्रायर में काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे सैंडविच भी रेडी हो गया है। कितने प्यारे से ग्रिल मार्क्स आए हैं। इसे मैं पेयर करने वाली हूँ कॉफी के साथ। कॉफी के बिना तो ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कप कॉफी बना ली है, एक मेरे लिए और एक मेरी सिस्टर के लिए। एंड हियर इज द सैंडविच। इसे मैं कट कर रही हूँ 2 इक्वल पार्ट्स में। आई नो इस वाले पे ग्रिल मार्क्स उतने प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि ये दूसरा सैंडविच है, वो वाला मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था। और यहाँ पे थोड़े फ्राइज के साथ और कॉफी के साथ मैंने सैंडविच को सर्व कर दिया है।